फिल्म की शुरुआत क्रोएशिया में एक सुंदर गर्मी के दिन की गर्मी से होती है, जब बेथ देश की सुरम्य सड़कों पर कदम रखती है। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त केट के साथ सप्ताहांत बिताने के लिए यहाँ आई है। जैन, मिलनसार टैक्सी ड्राइवर, बेथ के आगमन में स्थानीय आकर्षण का स्पर्श जोड़ता है। सवारी के दौरान हर्षित बातचीत में शामिल होता है। सुखद यात्रा के लिए आभारी, बेथ ने जैन का कार्ड स्वीकार कर लिया क्योंकि वह उसे अपार्टमेंट में छोड़ रहा था। वह सप्ताहांत के लिए घर पर कॉल करेगी। बेथ को जल्द ही पता चलता है कि यह केट ही है जिसने इस पूरी यात्रा का आयोजन किया है। उदारतापूर्वक अपने पूर्व जेके क्रेडिट कार्ड से सभी खर्चों को कवर किया है। कृतज्ञता के भाव में बेथ केट को एक काला हार भेंट करती है जो कुछ ढीले लटकते मोतियों से सजी होती है। जैसे ही शाम होती है, बेथ अपने पति रॉब और अपने बच्चे एस्टर के साथ वीडियो चैट के माध्यम से जुड़ने के लिए कुछ समय निकालती है। एस्टर, जो केट की पोती भी है, नाइट आउट की उनकी आभासी प्रस्तावना का हिस्सा बन जाती है। अपार्टमेंट से उनके बाहर निकलने की व्यवस्था मकान मालिक सेबेस्टियन द्वारा की जाती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि उनकी बसने की प्रक्रिया सुचारू है। जैसे ही वे रेस्तरां पहुंचते हैं, रात एक दिलचस्प मोड़ लेती है जहां केट जानबूझकर सबसे महंगे व्यंजन ऑर्डर करती है, जिसका इरादा जेके वित्त में सेंध लगाना है। ये बेथ को केट के साथ अपनी दोस्ती पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है और केट के तलाक के दौरान वहां मौजूद न होने के लिए अपराध बोध महसूस करता है। हालांकि केट बेथ के जीवन की जटिलताओं को समझते हुए बेथ की शादी के बारे में पूछती है। बेथ इस वास्तविकता से जूझ रही है कि केट के लिए एक गुलाबी तस्वीर पेश करने की उसकी प्रारंभिक इच्छा के बावजूद उसकी शादी एक कठिन दौर से गुजर रही है। वह भविष्य के बारे में अनिश्चित है, लेकिन केट के तलाक के सुझाव को अतिवादी मानती है। शाम को एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब क्रेडिट कार्ड अस्वीकृत हो जाता है, जिससे केट और जे के बीच फोन पर गर्मा गर्म बातचीत शुरू हो जाती है। ये बिल बेथ के मामूली बटुए के लिए बहुत भारी साबित हुआ, फिर भी केट ने विनम्रतापूर्वक खर्च वहन किया, जिससे उनकी स्थायी दोस्ती के बंधन मजबूत हुए। इसके बाद समूह एक क्लब में जाता है जहां बेथ जैन को अपने ड्राइवर के रूप में भर्ती करती है। आगमन पर केट मेकअप टचअप के लिए कुछ समय लेती है, जिससे बेथ को जैन के साथ विदेशियों के रूप में अपने अनुभवों के बारे में बातचीत करने की अनुमति मिलती है। जैन सीरिया से एक आप्रवासी और बेथ एक अमेरिकी जो लंदन में रहती है। एक बार जब केट तैयार हो जाती है तो वो उदारतापूर्वक फिर से खर्चों को कवर करती है, हालांकि बेथ पानी का विकल्प चुनती है। क्लब के अंदर दो लोगों ने उनका ध्यान आकर्षित किया, जिससे केट ने बेथ को उनके साथ शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और बेथ को रॉब की जानकारी के बिना अपनी दिनचर्या से मुक्त होने की आवश्यकता पर जोर दिया। जैसे जैसे वे लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाते हैं और ड्रिंक का आनंद लेते हैं, बेथ धीरे धीरे चक्कर आने की शिकार हो जाती है। अगली बात जो वह जानती है, वह अपार्टमेंट में जागती है और उसे पिछली रात की कोई याद नहीं रहती। मिचली और भटकाव से बेथ को एक जीवंत शाम का सबूत मिलता है। आधी खाली शराब की बोतलें, इस्तेमाल किए हुए गिलास, फेंके हुए कपड़े, बिना लपेटे सुरक्षा और एक अभी भी चलने वाला जकूजी। एक टूटा हुआ शीशा और तौलिए के नीचे खून की कुछ बूंदे दृश्य में एक अस्थिर परत जोड़ देती हैं। केट से संपर्क करने की बेतहाशा कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकला और बेथ की चिंताएं और गहरी हो गईं। हताश होकर वो रॉब को फोन करती है और अपनी चिंताएं साझा करती है। रॉब सुझाव देता है कि केट अकेले ही बाहर हो सकती है और पूछती है कि क्या उनके बीच कोई बहस हुई थी। केट के आश्वासन के बावजूद कि ऐसा नहीं था, रात की उसकी यादें धुंधली बनी हुई हैं। जवाब तलाशते हुए बेथ सेबेस्टियन की ओर मुड़ता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने केट को भी नहीं देखा है। सेबेस्टियन की याद दिलाने के बावजूद कि पार्टियों की अनुमति नहीं है, उसने बेथ को पिछली रात दो पुरुषों की उपस्थिति के कारण अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचित किया। इस रहस्योद्घाटन से परेशान होकर बेथ पुलिस को शामिल करने पर विचार करती है, लेकिन अधिकारी पावेक उसकी चिंताओं को खारिज कर देता है और पार्टी करने और अत्यधिक शराब पीने वाली लड़कियों के प्रति आलोचनात्मक रवैया दिखाता है। यहाँ तक कि जब कोवांक उनके वरिष्ठ हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं तो पाविक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 24 घंटे की प्रतीक्षा अवधि का हवाला देते हुए मामले को स्वतंत्र रूप से संभालने पर जोर देते हैं। उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित बेथ मामले को अपने हाथों में लेती है और जैन से संपर्क करती है, जो उसे उस क्लब को याद करने में मदद करता है जहां उन्होंने दौरा किया था। क्लब में बार्टेंडर शुरू में भूलने का नाटक करता है, लेकिन क्रोएशियाई में जैन के मुखर शब्द से सच्चाई बताने के लिए मजबूर करते हैं। जिन दो लोगों से लड़कियों की दोस्ती हुई, वे अक्सर पर्यटकों को निशाना बनाने वाले एस्कॉर्ट में जाते थे। बेथ ने अनुमान लगाया कि केट ने उन्हें काम पर रखा होगा, केट के लगातार विश्वास से प्रभावित होकर कि बेथ को अपनी दिनचर्या से मुक्त होने की जरूरत है।
शाम को बेथ फिर से रोब के पास पहुंचती है और केट की अस्पष्ट अनुपस्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है। रोब जाहिरा तौर पर आश्चर्यचकित होकर केट के कार्यों को सामान्य व्यवहार के रूप में खारिज कर देता है और बेथ को चिंता न करने की सलाह देता है। हालांकि बेथ आश्वस्त है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि केट ने किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया है। रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित, बेथ ने अपने पति को केट के दोबारा प्रकट होने तक अपनी नियोजित घर की उड़ान को रद्द करने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया। अगली सुबह बार्टेंडर द्वारा दिए गए नामों से लैस बेथ एस्कॉर्ट्स का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया पर जाती है। ज़ेन से सहायता मांगते हुए वो उस भयानक रात के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उनके साथ एक बैठक की व्यवस्था करने की योजना शुरू करती है। एस्कॉर्ट्स के लिए एक कैफे में समय बिताते हुए बेथ केट और रॉब के साथ अपने संबंधों के बारे में खुलती है। बदले में ज़ेन युद्ध की विभीषिका में अपनी पत्नी को खोने की दर्दनाक कहानी साझा करता है। जब एस्कॉर्ट अंततः प्रकट होते हैं तो वे बेथ के चेहरे को देखते ही तेजी से बाहर निकल जाते हैं। निडर होकर ज़ेन पीछा करता है, सफलतापूर्वक एक को पकड़ता है और कबूल करने के लिए मजबूर करता है। एस्कॉर्ट्स ने स्वीकार किया कि वे अपार्टमेंट में थोड़े समय के लिए रुके थे और ध्यान भटकने के एक पल के दौरान केट का बैग चोरी करने के बाद सुबह 3 बजे चले गए। वे लड़कियों के पेय पदार्थों के साथ छेड़छाड़ की बात से सख्ती से इनकार करते हैं और भुगतान किए गए व्यक्तियों के रूप में अपनी व्यावसायिकता का दावा करते हैं, जिन्हें ऐसी रणनीति की आवश्यकता नहीं है। चोरी हुए बैग को गिरवी रख दिया गया और उस व्यक्ति ने दुकान का स्थान बता दिया। बेथ बैग और फोन वापस ले लेती है, लेकिन संभावित नशीली दवाओं के बारे में सशंकित रहती है क्योंकि वो केवल पानी का सेवन करना याद करती है और आमतौर पर अत्यधिक नशा नहीं करती है। ज़ेन के संदेह के बावजूद बेथ एक दिन के बाद फिर से पुलिस के पास आती है और उसे आश्वासन देती है कि वो उसके वीजा की सुरक्षा के लिए उसके नाम का खुलासा नहीं करेगी। इस बार कोवांक ने उसकी रिपोर्ट को गंभीरता से लिया, पाविक को लापरवाही के लिए फटकार लगाई और जब उसने बेथ के खाते पर निर्णय देना जारी रखा तो उसे बर्खास्त कर दिया। हालांकि बेथ ने फोन के बारे में विवरण छोड़ दिया, लेकिन उसने बैग सौंप दिया और एस्कॉर्ट्स की पहचान कोवांक को बता दी। हमले की संभावना के बारे में चिंतित कोवांक बेथ का बयान प्राप्त करने के बाद पूरी सच्चाई का पता लगाने के लिए अस्पताल में उसके परीक्षण की व्यवस्था करता है। उथल पुथल भरी घटनाओं के बाद बेथ जे के पास पहुंचती है, जो रॉब की तरह केट की स्थिति को महज नाटक कहकर खारिज कर देता है। जे ने अपने संबंधित वकीलों के माध्यम से कानूनी बाधाओं का हवाला देते हुए और क्रेडिट कार्ड मुद्दे के बारे में अनभिज्ञता का दावा करते हुए केट के साथ किसी भी संचार से इनकार किया। अपार्टमेंट में लौटते हुए बेथ ने सेबेस्टियन को चेकआउट समय समाप्त होने के कारण अपना सामान पैक करते हुए पाया। देश छोड़ने को तैयार नहीं, बेथ ने सेबेस्टियन के नीचे के बजट अनुकूल कमरे के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बसने के बाद बेथ केट के फोन का उपयोग करने का प्रयास करती है, लेकिन फेस आईडी के बिना यह अप्राप्य साबित होता है। सेबेस्टियन ने रात्रि भोज का निमंत्रण दिया, लेकिन बेथ ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय ज़ेन से संपर्क करने का विकल्प चुना। जैसे ही वे एक रेस्तरां के लिए निकलने की तैयारी करते हैं, रोब एस्टर को एक दाई के साथ छोड़कर एक संक्षिप्त यात्रा के लिए उड़ान भरकर बेथ को आश्चर्यचकित कर देता है। ज़ेन शालीनता से पीछे हट जाता है और एक तनावपूर्ण मुठभेड़ सामने आती है जब ईर्ष्यालु रॉब एक यादृच्छिक टैक्सी ड्राइवर पर भरोसा करने के लिए बेथ की आलोचना करता है। भावनाओं से अभिभूत होकर बेथ रोने लगती है, जिससे रॉब को माफी मांगनी पड़ती है और घटनाओं के बारे में बताते हुए उसे सांत्वना देनी पड़ती है। उनकी बातचीत में अचानक मोड़ आ जाता है जब पुलिस विनाशकारी समाचार देती है, केट मृत पाई गई है। बेथ शव की पहचान करने के लिए रॉब के साथ जाती है और उसे पता चलता है कि केट डूब गई है। शव परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए लंबित है कि यह एक दुर्घटना थी या हत्या थी। अगली सुबह रॉब केट के प्रति दयालु न होने के अपराध बोध से जूझ रहा है और उसे वो चिड़चिड़ा लग रहा है। अपने प्रवास को आगे बढ़ाने पर विचार करते हुए बेथ उसे अपनी बेटी की देखभाल के लिए लंदन लौटने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि वह सामने आ रही त्रासदी को संबोधित करती है। बाद में अधिकारी पाविक बेथ को उठाता है और गंभीर खबर देता है कि केट की हत्या कर दी गई थी। केट के शरीर की स्थिति उसकी मृत्यु से पहले कई पुरुषों के साथ उसकी बातचीत के कारण संभावित हमले के बारे में अनिश्चितता पैदा करती है। बेथ केट के साथ अंतिम क्षण का अनुरोध करती है और फोन को अनलॉक करने के लिए अपने दोस्त के मृत चेहरे का उपयोग करने के अवसर का लाभ उठाती है। बाथरूम जाने का बहाना करते हुए बेथ केट के संदेशों की पड़ताल करती है और एक चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन करती है, केट और उसके पति रॉब के बीच एक संबंध। पाविक बेथ को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां कोवांक जांच परिणामों का खुलासा करता है। बेथ और केट दोनों के खून में अवैध पदार्थों के अंश पाए गए हैं।
एस्कॉर्ट से पूछताछ की जाती है, लेकिन बैथ के अपार्टमेंट में उन्हें लेने के एक टैक्सी ड्राइवर के विवरण से उनका बहाना बरकरार रहता है। गवाहों का दावा है कि उन्होंने बैथ और केट को क्लब में बहस करते हुए देखा था। बैथ ने इस दावे का जोरदार खंडन किया, हालांकि कुछ अनिश्चितता के साथ। जैसे ही बैथ के चारों ओर संदेह घूमना शुरू होता है, पाविक उसका पासपोर्ट ले लेता है और सेबेस्टियन के पास अपना कार्ड छोड़ देता है। बैथ जे पर विश्वास करती है, जो अफेयर के बारे में जानकारी देता है, लेकिन बैथ की गर्भावस्था के कारण चुप रहता है। मामला हाल ही में शुरू हुआ और जे ने बैथ के साथ रॉब के रिश्ते से पहले रॉब और केट के बीच एक शराबी मुठभेड़ का संकेत दिया। खुद का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए बैथ ने रात्रिभोज के दौरान जैन के साथ एक सिद्धांत साझा किया। केट ने उसे अफेयर भड़काने के लिए नशीली दवा दी होगी, यह उम्मीद करते हुए कि रॉब बैथ को छोड़ देगा। रॉब के साथ एक तनावपूर्ण कॉल शुरू होती है, जिससे बैथ को अफेयर के बारे में पता चल जाता है और पुलिस द्वारा उसे हत्या का संदिग्ध मानने के बारे में तीखी बहस बढ़ जाती है। अगले दिन बैथ खुद को केट की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पाती है। पुलिस जैन के साथ उसके रात्रिभोज की तस्वीरें पेश करती है, जो उसे मानव तस्करी गिरोह से जोड़ती है। बैथ अब एक गंभीर स्थिति में है, कानूनी सलाह लेती है। जैन ने शरणार्थियों की सहायता करने वाले तस्करी गिरोह से अपने संबंध को स्पष्ट किया और इस बात पर जोर दिया कि वो उनके साथ काम नहीं करता है। जैन के जाने पर बैथ को एहसास हुआ कि पुलिस को मामले की जानकारी पाविक द्वारा सेबेस्टियन के साथ जानकारी साझा करने से मिली होगी, जिससे धोखे का एक जाल बन गया, जिससे उसकी स्वतंत्रता को खतरा है। बैथ को दर्पण में एक छिपे हुए कैमरे की खोज उसे सच्चाई को उजागर करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर ले जाती है। केट की हत्या से जुड़े रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित बैथ ने छोटी छोटी बातों से सेबेस्टियन का ध्यान भटकाने के बाद चालाकी से उसकी चाबियां चुरा ली। अपने निजी स्टूडियो में घुसपैठ करते हुए वो पूरी इमारत में छिपे हुए कैमरों के एक नेटवर्क का खुलासा करती है, जो अंतरंग स्थानों में भी लोगों की गोपनीयता पर हमला करती है। बैथ ने हत्या की रात की रिकॉर्डिंग को पुनः प्राप्त किया, जिससे घटनाओं का एक चौंकाने वाला अनुक्रम सामने आया। वह बार में बेहोश हो गई, एस्कॉर्ट्स उसे बिस्तर पर ले गए, फिर केट के साथ समय बिताने के लिए चले गए। जब बैथ का ध्यान भटका तो मौका पाकर उन्होंने उसका बैग चुरा लिया और तेजी से इमारत से बाहर निकल गए। केट को चोरी का एहसास हुआ, वह चली गई और अंततः एक अलग कार में सामने एक अजीब स्टिकर के साथ वापस लौटी। जैसे ही सेबेस्टियन अपनी चाबियों की तलाश में लौटता है, टकराव शुरू हो जाता है। बैथ अपने इरादों के प्रति अविश्वास रखते हुए एक संघर्ष के दौरान अनजाने में सेबेस्टियन के सिर पर प्रहार कर देता है। स्थिति का फायदा उठाकर बैथ अपनी चाबियां लेकर भाग जाता है और जैन से मिलता है। साथ में वे बैथ द्वारा नोट की गई लाइसेंस प्लेट वाली कैब की जाँच करते हैं, जिससे उन्हें केट के कार्यों के बारे में रहस्य उद्घाटन होता है। टैक्सी कंपनी में उन्हें पता चला कि केट ने एस्कॉर्ट्स का पीछा किया था और पुलिस स्टेशन का दौरा किया था। बैथ उसकी रिपोर्टों पर पुलिस की प्रतिक्रिया की कमी पर सवाल उठाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि पाविक एक काले इतिहास वाला एक वाइस अधिकारी साजिश के पीछे है। तलाशी का सामना करते हुए बैथ और जैन भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन बैथ को अपने वकील से संपर्क करने की अनुमति देने के लिए जैन ने खुद को बलिदान कर दिया। पैविक लगातार पीछा करते हुए बैथ को एक इमारत के ऊपर ले जाता है। केट की हत्या का आरोप लगाते हुए बैथ ने पाविक से कहा कि केट ने उसकी प्रगति को अस्वीकार कर दिया है। एक तीखी बहस में बैथ ने अनजाने में पाविक को छत से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाद में पुलिस स्टेशन में कोवांक ने गलत आरोपों के लिए माफी मांगी और एक भ्रष्ट अधिकारी के रूप में पाविक के भयावह अतीत का खुलासा किया, जिसने आपराधिक गतिविधियों के लिए अपने पद का फायदा उठाया। बरामद फुटेज अंततः केट की हत्या में पाविक की भूमिका को उजागर करता है, जो साजिश के पीछे की परेशान करने वाली सच्चाई पर प्रकाश डालता है। धोखे के जाल को उजागर करते हुए बैथ को पता चला कि नौकरी से निकाले जाने में असमर्थ पाविक को पर्यटन विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। एस्कॉर्ट्स के अपार्टमेंट की जाँच से महिलाओं को अक्षम करने और लूटने के लिए उनके द्वारा अवैध पदार्थों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ। बैथ को निर्दोष घोषित किया गया है और इमारत से बाहर निकलने पर उसने जैन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और उसकी अमूल्य सहायता के लिए उसे गले लगाया। लंदन में वापस बैथ टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से जैन के साथ संपर्क बनाए रखती है और वो रॉब के साथ संबंध तोड़ देती है। अपनी बेटी का सह पालन करते हुए बैथ और रॉब बारी बारी से एस्टर की देखभाल करते हैं। रॉब के घर छोड़ने के दौरान वो सुलह करने का प्रयास करता है, लेकिन बैथ मना कर देती है। एक अतिरिक्त कार की चाबी की आवश्यकता होने पर रॉब ने अपनी जैकेट की जांच करने का सुझाव दिया, जिससे एक चौंकाने वाली खोज हुई, उस हार से एक मोती जो उसने केट को दिया था।
निहितार्थ को समझते हुए बैथ अनभिज्ञता प्रकट करती है और कोवांग को कॉल करने के लिए बहाना बनाती है। हालांकि जब रॉब उसकी जांच करता है तो वो चुपचाप अपना फोन दूर रख देती है। बैथ ने मंके से रॉब को सांत्वना दी और उसे ये स्वीकार करने के लिए राजी किया कि वह केट की मृत्यु की रात क्रोएशिया के लिए उड़ान भरी थी। रॉब का दावा है कि केट की मौत एक दुर्घटना थी, उसके पानी में दुर्घटनावश गिरने का हवाला देते हुए उसने आरोप लगाया कि केट ने अपने प्यार का इजहार किया था। हालांकि बैथ को सच्चाई का पता चला, रॉब और केट का रिश्ता एक अफसोसजनक रिश्ता था और रॉब तब से उसका पीछा कर रहा था। जब केट ने बैथ के सामने सच्चाई कबूल करने का फैसला किया तो रॉब का गुस्सा हिंसा में बदल गया, जिससे उसकी दुखद मृत्यु हो गई। रॉब ने बैथ से चुप रहने का अनुरोध किया और तर्क दिया कि मामला बंद हो गया है। उसे बताए बिना बैथ ने कोवांग के साथ संपर्क बनाए रखा है, जो पूरी स्वीकारोक्ति सुनता है। रॉब बैथ को चुप कराने के लिए बेताब है, उसका फोन छीनने का प्रयास करता है, लेकिन बैथ जवाबी कार्रवाई करती है, एस्टर को पकड़ लेती है और भागने का साहस करती है क्योंकि पुलिस रॉब को पकड़ने के लिए पहुंचती है। यहीं पर फिल्म अपने अंजाम तक पहुंचती है।